हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर जो बच्चों का जो एज ग्रुप होता है, बच्चों के जन्म लेने से पहले, यानी कि जब बेबी जो है वो वूम में होता है, मदर की वूम में होता है, से लेकर के बच्चों के अडोल्सेंस होने तक की डिफरेंट डिफरेंट एज होती है। और इस एज ग्रुप के अंदर कितने साल का जो बेबी है वो किस एज ग्रुप में आ रहा है, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पीडियाट्रिक से रिलेटेड, यानी कि बच्चों से रिलेटेड एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो टर्म आती है, सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्री मेच्योर बेबी, ठीक है, प्री मेच्योर बोर्न, या फिर हम कहेंगे कि प्री मेच्योर टर्म क्या होता है। तो जब बेबी जो है वो 38 वीक से पहले जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो नॉर्मल वीक कितनी होती है जब बेबी जो है मैच्योर हो जाता है, वो 38 वीक्स से लेकर के 42 वीक्स के बीच में जो है बेबी, कंप्लीट बेबी जो है वो बर्थ लेता है। यानी कि जो बेबी के मैच्योर होने का जो पीरियड होता है, जब बेबी फुल्ली मैच्योर हो जाता है, वो 38 से लेकर के 42 वीक्स के अंदर जो है बेबी मैच्योर होता है। लेकिन अगर बेबी 38 वीक से पहले जन्म ले लेता है या फिर बेबी का बर्थ हो जाता है, तो उसे हम प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं, और इसे हम गेस्टेशनल पीरियड भी बोलते हैं। गेस्टेशनल पीरियड क्या होता है, आप सबसे नीचे आप देखिएगा, नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। गेस्टेशनल एज क्या होता है, गेस्टेशनल एज इज़ कंसाइडर द टाइम फ्रॉम द कंसेप्शन अंटिल बर्थ। यानी कि गेस्टेशनल एज एक ऐसी एज होती है, मदर की एक ऐसी एज होती है जब वो बेबी को कंसीव करती है, यानी कि जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका आता है से लेकर के जब तक वो बेबी का जन्म नहीं दे देती है, यानी कि बच्चे के जन्म होने तक के जो टाइम होता है उसे हम गेस्टेशनल एज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वीक फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मदर फ्रॉम द लास्ट LMP अनटिल बर्थ। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया कि इसके अंदर क्या होता है कि जब मदर का जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से होता है से लेकर के बेबी के जन्म लेने तक का टाइम है, और इसके अंदर काफ़ी सारी वीक्स होती हैं, ठीक है, 9 मंथ होता है, तो 38 से 42 वीक्स होती हैं, तो उस टाइम पीरियड को हम गेस्टेशनल एज बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की प्री मेच्योर बेबी की, ठीक है, जो कि 38 वीक से पहले जो बच्चा जन्म ले लेता है उसे हम प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं। उसके बाद आता है टर्म बेबी, यानी कि टर्म बेबी या फिर टर्म बर्थ हम कब बोलेंगे, जब बेबी जो है अपने पूरे वीक्स में बर्थ लेता है, ठीक है, यानी कि 38 से लेकर के 42 वीक्स के बीच में जो बच्चा जन्म लेता है, यानी कि अपने 40 वीक्स जो है वो कंप्लीट करके बेबी जन्म ले रहा है, तो उसे हम टर्म बेबी बोलते हैं। पोस्ट टर्म जो कि 42 वीक्स के बाद में बच्चा जन्म लेता है, यानी कि उसके जो वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं फिर भी वो थोड़ा टाइम लेता है जन्म लेने में, तो उसे हम पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। यानी कि 42 वीक्स से ज़्यादा अगर बेबी टाइम ले रहा है जन्म लेने में, बर्थ लेने में, तो उसे हम पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूनेट। न्यूनेट यानी कि जब बेबी ने जन्म ले लिया है से लेकर के 28 डेज, ठीक है, या फिर 1 मंथ कह लीजिए, 28 डेज के बेबी को हम न्यूनेट बेबी जो है वो बोलते हैं, न्यू बॉर्न बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न जो जन्म लेता है 24 आवर्स के लिए या फिर 1 डे के लिए, हम उसे न्यू बॉर्न बोलते हैं, और जो बेबी जो 1 मंथ का हो जाता है तो हम उसे न्यूनेट बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फेंट। इन्फेंट होते हैं 1 से लेकर के 12 मंथ, यानी कि 1 मंथ से लेकर के 12 मंथ्स तक के जो बेबी होते हैं, यानी कि 1 महीने से 12 महीने तक का जो बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट बोलते हैं, यानी कि जो 1 साल का बेबी होता है उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड। चाइल्ड वो आते हैं 1 मंथ से लेकर के 12 ईयर तक के जो बेबी होंगे वो आते हैं चाइल्ड एज में, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि चाइल्ड एज कितने से कितने साल के बीच में होती है, तो चाइल्ड एज होती है 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे जो है वो चाइल्ड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अडोल्सेंस। अडोल्सेंस एज होती है बच्चों की 13 साल से लेकर के 18 साल के बीच में, अडोल्सेंस एज जो है वो आती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनेट की एज ग्रुप बच्चों की कौन से, कितने महीने के बच्चे न्यूनेट्स में आते हैं, कितने दिन के बच्चे न्यूनेट्स में आते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है अगर अडोल्सेंस की एज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, तो आपने बताना है अडोल्सेंस एज होती है 13 ईयर से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अडोल्सेंस एज में आते हैं, और अगर 18 से प्लस हो जाते हैं, 18 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अडल्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अडल्ट मेंशन नहीं है क्योंकि ये पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों का एज ग्रुप है,
तो अगर आपसे 18 से ज़्यादा पूछा जाता है तो वो क्या होंगे, अडल्ट एज में आ जाते हैं। तो ये सारा पीडियाट्रिक का चार्ट है, प्रीमेच्योर, टर्म, पोस्ट टर्म, नियोनेट, इन्फेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट। जब आप पीडियाट्रिक आपका सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में होगा तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें टर्म्स जो हैं वो आप उसमें आप पढ़ेंगे। और अगर आप फोर्थ ईयर में हैं बीएससी या जेएनएम थर्ड ईयर में है तो उसमें भी आपको ये टॉपिक्स जो ये सभी टर्म्स जो हैं आपको याद होनी चाहिए। ये बार बार टर्म्स यही टर्म्स यूज़ की जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एज नहीं लिखी जाती कि 28 ईयर्स का बेबी है या 12 मंथ का बेबी है, तो वहाँ पर सिर्फ ये लिखा जाता है प्री मेच्योर है, पोस्ट टर्म है, न्यूनेट है, इन्फेंट है, चाइल्ड है। तो ये सारी टर्म्स जो है बुक्स में आपको पढ़ने को मिलती है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इन्फेंट किस एज ग्रुप में आ रहा है, चाइल्ड कितनी एज में होता है, एडोलसेंस कौन सी एज में होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, गेस्टेशनल आपसे प्रैक्टिकल में बहुत पूछा जाता है, गेस्टेशनल एज कौन सी होती है, क्या होता है गेस्टेशनल एज में। तो आपने बताना है कि गेस्टेशनल एज क्या होती है, लास्ट LMP से लेकर, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लेकर के जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है, अनटिल बर्थ, ठीक है, अनटिल बेबी बर्थ की एज टाइम को या फिर उस पीरियड को हम गेस्टेशनल एज बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, पीडियाट्रिक इस चार्ट में नहीं है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। एक होता है यहाँ पर गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होता है, ठीक है, आपने कंफ्यूज़ नहीं होना है। गेस्टेशनल एज और गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो डिफरेंट है। डायबिटीज़ यानी कि जब डायबिटीज़ हो जाती है मदर को, कब होती है, जब वो कंसीव करती हैं, ठीक है, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उसी टाइम पर उनको डायबिटीज़ होती है। और जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाते हैं, बेबी का जन्म हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उनका नॉर्मल शुगर लेवल आ जाता है। तो उस टाइम पे उसी पीरियड को हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, गेस्टेशनल एज हम किसको बोल रहे थे, जब बेबी वूम में रहता है, यानी कि कंसीव होने से लेकर के वूम में जब तक रहता है वो, जब तक डिलीवर नहीं हो जाता है उसे हम गेस्टेशनल एज बोलते हैं। उसी तरह से डायबिटीज़ भी है जो है वो उसी टाइम पर होती है जब मदर बेबी को कंसीव कर लेती है, उस टाइम पर डायबिटीज़ हो जाती है कई महिलाओं को। तो उस टाइम से लेकर के जब बेबी डिलीवर हो जाता है उस टाइम तक उनको डायबिटीज़ जो है वो रहती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है उनका नॉर्मल जो ब्लड शुगर होता है वो, यानी कि उनकी डायबिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो गेस्टेशनल एज और गेस्टेशनल डायबिटीज़ दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, मिक्स नहीं करना है, ध्यान रखना है आपने। तो ये था हमारा पीडियाट्रिक एज ग्रुप, तो आपने इसको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।